छक्के और 25 चौके। इस मैच में बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिली बांग्लादेश के खिलाफ। जिस तरीके से टीम इंडिया के बैट्समैन गदर दिखा रहे थे, कोहराम मचा रहे थे, हर एक बल्लेबाजों ने अपने आप को प्रूव किया। और सबसे ज्यादा जो नजरें थी वो संजू सैमसन को लेकर थी, क्योंकि संजू सैमसन ने आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन जब T20 इंटरनेशनल मैचेस की बात आती है वहां पर कहीं ना कहीं संजू सैमसन ने अपने आप को प्रूव नहीं किया था। अब तीसरे मैच में खुलकर बल्लेबाजी की और गजब का प्रदर्शन किया। मतलब 40 बॉल में उन्होंने अपना शतक लगाया और दूसरे वो भारतीय बल्लेबाज बन गए जिन्होंने 40 बॉल में ये कारनामा किया, यानी कि शतकीय पारी खेली। इसके अलावा रोहित शर्मा के रिकॉर्ड्स को भी तोड़ दिया। बांग्लादेश के खिलाफ आपको बता दें तो 22 बॉल पे उन्होंने सबसे तेज 50 लगाई। इससे पहले ये रिकॉर्ड जो था वो रोहित शर्मा के नाम था। तो मतलब टीम इंडिया ने इस मैच में कई सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। अगर बात करें फुल मेंबर नेशन की बात करें तो टीम इंडिया का सबसे बड़ा स्कोर रहा है, 297 रन बनाए यहां पर टीम इंडिया ने। इससे पहले ये कारनामा जो था वो आयरलैंड की टीम के खिलाफ किया था। अफगानिस्तान की टीम ने 278 रन बनाए थे और इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। वहीं दुनिया भर की बात करें, देश की बात करें, तो ये रिकॉर्ड जो है वो है नेपाल के पास, 317 रन बनाए थे मंगोलिया के खिलाफ। और दूसरे नंबर पर जो है वो अब भारतीय टीम आ चुकी है। भारतीय टीम जो है सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही है, आपके हिसाब से क्या लगता है इस मैच को लेकर? आप क्या सोचते हैं, आपके क्या राय, कमेंट करके बताइए फटाफट से।